19 is yes. मैम mm. देखो रिकॉर्डिंग एंड मैसेज फीचर स्क्रीन शेयर है सर है मैम ठीक है अच्छा देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है हम लोग लास्ट 15 तक कल कर लिए थे 16 और 17 ये तो क्वेश्चन कर लेंगे और एक एग्जाम का क्वेश्चन भी करेंगे जो कि 2019 दिसंबर में आया हुआ है, है? ठीक तो पहले हम लोग करते हैं यहां पर 16 नंबर मैट वाला। यहाँ पर क्या बोला हुआ यहाँ पर बोला हुआ है कि डिवीजन ए इज द प्रॉफिट सेंटर प्रॉफिट सेंटर मतलब क्या हो गया जिसको हेड ऑफिस कंट्रोल नहीं करता है प्रोफिट सेंटर मतलब जो कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों का ख्याल खुद रखता है वो होता है प्रॉफिट सेंटर जो हम लोग फर्स्ट दिन पढ़े थे प्रोड्यूस थ्री प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड ठीक है डिविजन ए में तीन प्रोडक्ट बनता है एक एक्स एक, एक है एक जेड है एक्स वाई जेड एंड ईच प्रोडक्ट हैज एन एक्सटर्नल मार्केट और हर एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिक सकता है एक्सटर्नल मार्केट प्राइस है फोर्टी एट फोर्टी सिक्स फोर्टी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिविजन ए है एक्स प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट थर्टी थ्री है डिवीजन ए के लिए वाई का ट्वेंटी फोर और जेड का ट्वेंटी थ्री फोर और टू ठीक है मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स एक्स प्रोडक्ट का मैक्सिमम डिमांड एट हंड्रेड वाई प्रोडक्ट का फाइव हंड्रेड और जेड प्रोडक्ट का थ्री हंड्रेड ठीक है अपटू थ्री हंड्रेड यूनिट ऑफ वाई कैन बी ट्रांसफर टू एन इंटरनल डिवीजन बी अगर ट्रांसफर मांग रहा है डिवीजन बी किससे डिवीजन ए से तो किस चीज का मांग रहा है वाई का और ये कितना ट्रांसफर कर सकता है थ्री हंड्रेड डिविजन बी द ऑप्शन ऑफ परचेजिंग एक्सटर्नली ए प्राइस ऑफ फोर्टी फाइव बोल रहा है कि डिविजन बी अगर चाहे तो ये वाई प्रोडक्ट मार्केट से भी ले सकता है तब उसका प्राइस आ जाएगा फोर्टी फाइव डिटरमाइन द ट्रांसफर प्राइस मतलब ट्रांसफर होगा हमें ना ये नहीं डिसाइड करना होता है कि ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा ये हमें क्वेश्चन बता देता है क्वेश्चन बोल रहा है कि डिसाइड करो ट्रांसफर प्राइस इसका मतलब हेड ऑफिस बोल दिया होगा कि ट्रांसफर होगा ही होगा अब बोल रहा है कि डिसाइड करना है हमें ट्रांसफर प्राइस फॉर वाई वाई प्रोडक्ट अगर ट्रांसफर होता है कहां से कहा डिविजन ए से लेके डिविजन बी में चला जाएगा वाई प्रोडक्ट कितना यूनिट जाएगा थ्री यूनिट जाएगा तो बोल रहा है द टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल इन डिविजन ए अगर थ्री आवर्स होता है तो क्या होगा ट्रांसफर प्राइस या फिर अगर सेकंड क्वेश्चन अगर डिवीजन ए का आवर्स अवेलेबल 5600 है देन ट्रांसफर प्राइस क्या होगा ये हमें बताना है मतलब आवर्स जो है वो की फैक्टर है की फैक्टर मतलब लिमिटिंग फैक्टर हो गया ठीक है आवर्स अब यहाँ से हमारा सोल्यूशन दिख रहा है सोल्यूशन छोड़ो ये क्वेश्चन कैसे होगा पता है ये क्वेश्चन होगा हम लोगों का कौन सा वाला पॉइंट हो गया जब मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहा है जब मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहा है तब हमें क्या करना चाहिए ट्रांसफर प्राइस के लिए उस तरह से हमें करना पड़ेगा तो उसमें स्टेप वन हमें क्या करना पड़ेगा स्टेप वन हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है ठीक है या फिर हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर क्योंकि आवर्स है तो हमें पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हम लोग निकालेंगे ही निकालेंगे और हमें ये चेक करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर आवर क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है तो स्टेप वन में हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है फिर स्टेप टू में हम लोग क्या बनाएंगे ऑप्टीमल मिक्स मतलब हम कौन सा बात कर रहे पता है हम लोगों ने कल जो एक एग्जाम्पल देखा था हम दिखाते वो दूसरे जैम बोर्ड में है दिखा देते हम लोगों ने कल एक एग्जाम्पल देखा था जो मैंने तीन प्रोडक्ट का बनाया था तो वहां पर देख सकते हैं कहा तो चला गया मेरा ये रहा ये देखो ये वाला जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था ना ये देखो इसका पैटर्न क्या है कि अगर फुल्ली बिजी विद डिफरेंट प्रोडक्ट तब हमें क्या करना है ट्रांसफर प्राइस वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ द लीस्ट लीस्ट इन ऑर्डर ऑफ क्या सॉरी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इन ऑर्डर ऑफ लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ठीक है उसका मैंने जो ये वाला एग्जाम्पल था ठीक है हमें क्या करना पड़ेगा पहले हम लोगों को चेक uh, करना पड़ेगा कि हमारा रैंक के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट लिस्ट प्रॉफिटेबल है ठीक है फिर हम लोग ऑप्टिमल मिक्स बनाएंगे फिर वहां से हम लोग देखेंगे कि जो हमें हमें ट्रांसफर करना है उसके लिए हमें कौन सा प्रोडक्ट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा जो लिस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है उसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वही वाला क्वेश्चन देखो अभी हम लोगों को करना पड़ेगा ठीक है ये मैट से है हम लोगों ने कल एक एग्जाम्पल से देखा था तो स्टेप वन हमें क्या करना पड़ेगा ये देखो स्टेप वन हमें क्या करना पड़ेगा यहां से दिखाते हैं स्टेप वन में हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा रैंक क्या है प्रोडक्ट का ठीक है तो रैंक क्या है वो चेक करेंगे तो लिखना क्या पड़ेगा अगर लिखने का हम लोग देखना चाहे तो यहां पर देख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर फ्रॉम एक्सटर्नल सेल्स मतलब हमें कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कैलकुलेट करना चाहिए ठीक है तो हम लोग लिख लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर क्यों लेबर आवर ही लिखा क्योंकि यहाँ पर जो लिमिटेशन है वो आवर्स का है वो क्वेश्चन देख के पता चल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इतना टाइम हुआ ए के पास या फिर अगर इतना टाइम हुआ ए के पास तो उसको क्या करना चाहिए डिसीजन कैसे वो लेगा ट्रांसफर प्राइस का वाई यू वाई गुड्स जो ट्रांसफर करने वाला है डिविजन बी को तो उसका डिसीजन कैसे लेगा तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर फॉर एक्सटर्नल सेल्स एक्सटर्नल जो अभी चल रहा है मतलब बाहर वाले को जो भी यूनिट बनाते बेच देते उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कैसे होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट का नाम क्या क्या है एक्स वाई जेड ठीक है प्रोडक्ट का नाम है हम लोग का एक्स वाई और जेड इसका हम लोग लिखेंगे वेरिएबल uh, कॉस्ट बता दिया है अच्छा सेल प्राइस <coughs> ओ, ये रहा सेल प्राइस फोर्टी एट फोर्टी सिक्स फिफ्टी तो यहां पर लिखते हैं सेलिंग प्राइस फोर्टी एट फोर्टी सिक्स और फोर्टी फोर्टी सिक्स और फोर्टी ये हो गया हम लोग का सेल प्राइस लेस कर देंगे यहां से क्या वेरिएबल कॉस्ट ठीक है वेरिएबल कॉस्ट कितना कितना है वेरिएबल कॉस्ट है हम लोग का थर्टी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ये आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ठीक है एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन आएगा क्योंकि ये एक एक यूनिट का प्राइस लिखा हुआ है ये कितना हो जाएगा फाइव ये हो गया वन ये कितना हो जाएगा टू ये हो गया टू और ये टू और ये कितना ट्वेल्व हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब हम लोग को लिखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन करने में टाइम कितना लगता है वो गिवेन होगा जरूर लेबर आवर्स पर यूनिट दे रखा है तो लिख लेते हैं लेबर आवर्स पर यूनिट ये दिया हुआ रहेगा क्योंकि कंस्ट्रेंट की फैक्टर्स हम लोग का क्या है की फैक्टर्स हम लोग का है टाइम लिमिटेशन फैक्टर थ्री फोर टू यहाँ पर लिख लेते हैं थ्री फोर टू ये क्या लिखा हुआ है ये आवर लिखा हुआ है एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है ठीक है अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा नेक्स्ट हमें निकालना पड़ेगा कि एक यूनिट बनाने में अगर इतना टाइम लगता है अब हम लोग लिखेंगे कि कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना होगा ठीक है तो कंट्रीब्यूशन पर आवर ठीक है कैसे हो जाएगा क्योंकि एक घंटा में सॉरी तीन घंटे तीन में एक यूनिट बनता है और एक यूनिट में कंट्रीब्यूशन पंद्रह रुपए है तो कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना होगा बताओ कितना होगा एक घंटे में कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा 5, हो जाएगा? अच्छा ये कितना हो जाएगा डिवाइड करने से ट्वेंटी टू बाई फोर फाइव पॉइंट फाइव अच्छा फाइव पॉइंट फाइव और ये कितना हो जाएगा ये सिक्स हो जाएगा ठीक है अब हम लोग को क्या करना है अब हम लोग इस पे ऐसे लाइन कर देते हैं ताकि समझने में आसानी होगा अब हम लोग इसका रैंकिंग दे देंगे ठीक है रैंकिंग दे देंगे तो रैंक वन किसको जाएगा जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है रैंक टू नेक्स्ट सेकेंड हाइएस्ट ये हो गया रैंक थ्री ठीक है ये हम लोगों ने रैंकिंग दे दिया ये हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए उसके बाद हम लोग बनाएंगे ऑप्टीमल मिक्स ठीक है ये देखो ऑप्टीमल मिक्स बनता है ऑप्टिमम मिक्स या ऑप्टीमल मिक्स मतलब हमें कौन सा प्रोडक्ट कितना यूनिट बनाना पड़ेगा ठीक है तो हम लोग बना लेते हैं अपना ऑप्टिम मिक्स नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर ये हो गया अब सेकेंड पॉइंट में चलते स्टेप टू हमारा यही वाला होगा ऑप्टिमम मिक्स रैंक वन टू थ्री प्रोडक्ट का नाम जिसका रैंक वन है उसका नाम रैंक वन दे देंगे रैंक वन में है हम लोग का जेड वाई एक्स ऐसे हो जाएगा जेड वाई एक्स तो ये लिख दिया जेड ये हो गया वाई और ये लिख दिया एक्स अब हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्या देखो क्या कैसे लिखना पड़ता है फिर हम लोग लिखेंगे यूनिट यूनिट मतलब कौन सा लिखेंगे यूनिट मतलब कितना यूनिट हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर यूनिट लिख देते हैं और यहाँ पर आवर्स क्योंकि आवर्स हमारा कंस्टेंट है तो पहले देखते हैं जो हमारा फर्स्ट रैंकिंग प्रोडक्ट है उसका डिमांड हम लोग पूरा फुलफिल करने का कोशिश करेंगे उसका मार्केट में डिमांड है 300 यूनिट तो वो प्रोडक्ट हम लोग पूरा 300 यूनिट ही बनाएंगे अब उसमें टाइम कितना लगेगा अब देखो एक यूनिट जेड बनाने में दो घंटा लगता है तो थ्री यूनिट जेड बनाने में कितना टाइम लगेगा सिक्स आवर्स लगेगा ठीक अच्छा, है अच्छा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो वाई है उसका डिमांड मार्केट में क्या है 500 यूनिट ठीक है तो 500 यूनिट हम लोग बना पाएंगे कि नहीं देखते हैं क्योंकि वैसे हमारा टोटल आवर्स अवेलेबिलिटी भी देख लेते हैं। केस ए के लिए थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड है हम यहाँ पर थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड लिखते थे केस ए के लिए तो अभी हमारे पास सिक्स हंड्रेड आवर्स अभी देखते हैं कि वाई बनाने में कितना टाइम लगेगा एक यूनिट बनाने में चार घंटा लगता है पांच सौ यूनिट बनाने में कितना लगेगा फिर यहाँ पर टू थाउजेंड ठीक है अब टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हमारा आवर्स खत्म हो गया अवेलेबल आवर्स है थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड तो हम लोगों के पास और कितना आवर्स बचता है वो चेक करेंगे उसी से एक्स बनाएंगे तो हम लोग के पास बचेगा ट्वेल्व हंड्रेड आवर्स ट्वेल्व हंड्रेड आवर्स में कितना सारा एक्स बन जाएगा वो चेक करते हैं एक घंटे में कितना एक्स बनता है एक घंटे में एक्स बनता है सॉरी एक घंटे बोल रहे तीन घंटे में एक यूनिट एक्स बनता है ठीक है तीन घंटे में अगर एक यूनिट बनता है तो एक घंटे में वन बाई थ्री तो ट्वेल्व हंड्रेड आवर्स में कितना बनेगा फोर हंड्रेड यूनिट बनेगा वैसे एक्स का मार्केट डिमांड था एट हंड्रेड तो हम लोग ये फोर हंड्रेड यूनिट ही बनाएंगे ठीक है ये हमारा ऑप्टिमम मिक्स होगा क्योंकि ये हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है ना तो टाइम इस पे ज्यादा देना चाहिए ये हम लोग का सिचुएशन चल रहा था अब ये देखो ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए अब अचानक से वाक्य कि दूसरा डिवीजन हमें बोल रहा है कि हमें एक प्रोडक्ट ट्रांसफर करो अब ये सिचुएशन आ रहा है तो वही वाला लिखेंगे देखो अब यहां पर हम लोग लिखते हैं डिवीजन, डिवीजन क्या है नाम डिवीजन नाम है इसका आ, बी ठीक है डिवीजन बी रिक्वायर प्रोडक्ट वाई थ्री हंड्रेड यूनिट प्रोडक्ट वाई थ्री हंड्रेड यूनिट थ्री हंड्रेड यूनिट उनको प्रोडक्ट वाई हमें ट्रांसफर करके देना है तो हम लोग ट्रांसफर प्राइस क्या रखेंगे ये हमें पूछा जा रहा है ठीक है तो पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि आवर्स रिक्वायर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर थ्री हंड्रेड यूनिट क्या हो जाएगा 300 यूनिट कितना हो जाएगा अब इसको देखते कितना हो जाएगा 300 हंड्रेड इंटू थ्री हंड्रेड यूनिट ऑफ वाई ठीक है अब वाई को बनाने में एक यूनिट वाई बनाने में टाइम लगता है चार घंटा ठीक है तो अगर थ्री हंड्रेड यूनिट वाई बनाएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा 1200 आवर्स सोचो हमें 1200 आवर्स का नीड होगा अगर हम लोग ये सप्लाई करना चाहते हैं तो अब इस केस में हमें फिर क्या चेक करना पड़ेगा फिर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि हम लोगों का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितना होगा ट्रांसफर करने के लिए उसके बाद ही हम लोग स्टेप थ्री कर सकते ठीक है तो ये हम लोग का क्या हो गया ये हम लोग का स्टेप वन हो गया ठीक है स्टेप में हम लोग लो ये चेक करते हैं कि हम लोग का कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर या फिर जो भी कंडीशन होगा आवर हुआ तो आवर कुछ और हुआ तो कुछ और ठीक है स्टेप टू ये स्टेप वन में ही होगा स्टेप टू में हम लोग चेक करेंगे कि हमारा कितना टाइम चला जाएगा आवर्स में अगर है तो ये ट्रांसफर करने के लिए फिर स्टेप थ्री स्टेप थ्री में हम लोग करेंगे कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ड्यू टू ट्रांसफर इन ऑर्डर ऑफ लीस्ट रैंक ठीक है तो अगर वाई ट्रांसफर करना है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग वाई को मार्केट में कम बेचने लगेंगे हम लोग सबसे पहले कौन सा सैक्रीफाइस करेंगे जो प्रोडक्ट हम लोग का सबसे कम प्रॉफिट देता है उसको कम बनाना स्टार्ट करेंगे ठीक है तो जो प्रोडक्ट हम लोग का सबसे कम प्रॉफिट देता है वो बनाने के लिए अभी हम लोग ट्वेल्व आवर्स यूज कर रहे हैं और यहां भी हमें ट्वेल्व आवर्स ही चाहिए तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे एक्स प्रोडक्ट पूरा ही बनाना बंद कर देंगे ठीक है और ये ट्वेल्व आवर्स को लगा देंगे चाहिए y बनाने के लिए ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं ये प्रोडक्ट का नाम हो गया हम लोग का न, x x x प्रोडक्ट को कंट्रीब्यूशन हमारा सेक्रीफाइस हो जाएगा तो x लिख देते हैं कितना यूनिट x बनाना हमें बंद करना पड़ेगा हमें x बनाना 400 यूनिट बंद करना पड़ेगा ठीक है तो हम लोग x जो है 400 यूनिट नहीं बनाएंगे मतलब हम लोगों का यहाँ पर कितना हो जाएगा आवर्स देखना पड़ेगा कितना आवर्स मिल जाएगा फिर हम लोग को ट्वेल्व हंड्रेड आवर्स मिल जाएगा तो यहाँ पर चेक करते हैं कितना हो जाएगा अः ये हो गया हम लोगों का एक सेकेंड यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम इसको हम्म यहाँ पर आ, ये हो जाएगा हम लोग का फोर हंड्रेड ये 1200 तो पूरा ही हम लोग का टाइम बच जा रहा है 1200 हंड्रेड आवर्स और 1200 हंड्रेड आवर्स में कितना यूनिट 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 बन बन रहा था? बन रहा था था 400 मतलब X हम लोग कितना बनाना कम कर देंगे 400 यूनिट बनाना बंद कर देंगे ठीक है और 400 यूनिट में हम लोग का कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा था 400 यूनिट में हमारा कंट्रीब्यूशन पर आवर एक्स का कितना था एक्स का कंट्रीब्यूशन पर आवर था फाइव तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितना हो जाएगा इन फाइव इक्वल टू ये हो जाएगा टू थाउजेंड ठीक है टू थाउजेंड हो गया अच्छा अब कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर फाइव ही आ जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पर ना हम लोग का एक्टली exactly ये ट्वेल्व हंड्रेड से मैचअप हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा फाइव ठीक है फाइव ही आ गया अब हम लोग स्टेप फोर में ट्रांसफर प्राइस निकाल लेते हैं स्टेप फोर में हम लोग निकालेंगे ट्रांसफर प्राइस ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर यूनिट मैम बोलो बोल फोर हंड्रेड इन यूनिट इंटू फाइव क्या ফোর ইউনিট ইনটু ফাইভ হলো এই দেখো কালকে যখন আমরা করেছিলাম এখানে দেখো আমরা কি লিখেছিলাম কস্টটা লিখেছিলাম আর কন্ট্রিবিউশন কন্ট্রিবিউশন লসটা বের করেছিলাম ফর ট্রান্সফার ঠিক আছে এখানে কত ইউনিট ট্রান্সফার করতে হবে দুশো ইউনিট এবারে দুশো ইউনিট আমরা যদি জেড ট্রান্সফার করছি কিন্তু আমরা কন্ট্রিবিউশন লসটা কার নিলাম আমরা যে প্রোডাক্টটা বানাতে বন্ধ করে দিচ্ছি আমরা বানাতে বন্ধ কোনটা করছিলাম ওয়াই ঠিক আছে তাহলে ওয়াই আমাদের কন্ট্রিবিউশন লস কত ছিল না তাহলে আমি কি ভুল করে দিলাম জেড এর টু আছে না তো আমি এটা টাইম রিকোয়ার্ড বের করলাম এক মিনিট হ্যাঁ ঠিকই ম্যাম বলছি হ্যাঁ বলো বল বলছি কন্ট্রিবিউশন পার ইউনিট যেটা সেটা ইনটু হবে তো কন্ট্রিবিউশন পার ইউনিটটা হবে না এই দেখো এখানে আমাদেরকে সবার আগে তো এটা চেক করতে হবে যে আমার এইটা এইটা ঠিক আছে তো এটা বুঝতে পেরেছো তো যে তিনশো ইউনিট আমার চার ঘন্টা লাগবে তাহলে আমার বারোশো ঘন্টা লাগবে আমি যদি ওয়াই ওয়াই প্রোডাক্টটা সাপ্লাই করতে চাই তিনশো ইউনিট তাহলে আমাকে বারোশো ঘন্টা অ্যাপ্লাই করতে হবে আমার যে টাইম আছে আমার কাছে তিন ঘন্টার মধ্যে বারোশো ঘন্টা আমাকে ওয়াই প্রোডাক্ট তিনশো ইউনিট বানাবার জন্য বের করতে হবে টাইম তাই না এটা হলো কি হলো না বলো হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে এইবারে এইখানে যেটা করব এখানে কি করব দেখো কালকে প্রশ্ন আমরা দুশো ইউনিট জেড ট্রান্সফার করবো আর দুশো ইউনিট জেড ট্রান্সফার করলে আমাকে কত টাইম দিতে হবে কারণ বানাতে আমার টাইম লাগে ঘন্টা করে তাহলে দু দুশো ইউনিট জেড বানালে আমার টাইম লাগবে চারশো ঘন্টা এবারে এই চারশো ঘন্টাটা আমি কোথা থেকে খালি করব আমি ওয়াই কে কম প্রোডাকশন করছি কারণ আমার ওয়াই লিস্ট প্রোডাক্ট ছিল আর ওয়াইতে আমি টাইম ইনভলভ করেছিলাম দু ঘন্টা তাহলে আমি দু হাজার পাঁচশো থেকে চারশো ঘন্টা নিয়ে নিলাম ঠিক আছে মানে ওয়াইট কে কম প্রোডাকশন করব অত টাইমের জন্য তাহলে আমার কন্ট্রিবিউশন পার আওয়ার ওয়াইট নিতে হবে যেটা আমি স্যাক্রিফাইস করছি ঠিক আছে আমাকে পার ইউনিট নয় আমাকে কন্ট্রিবিউশন পার আওয়ার নিতে হবে তবে তো আমি বুঝতে পারবো আমার কন্ট্রিবিউশন লস্ট কোনটা হচ্ছে কারণ আমি জেড প্রোডাক্টটা ট্রান্সফার করছি বলেন আমি জেড প্রোডাক্টটাকে তৈরি করা বন্ধ করিনি আমি জেড প্রোডাক্টটা ট্রান্সফার করছি ঠিকই কিন্তু আমি মার্কেটে যেহেতু জেড প্রোডাক্ট আমাকে বেশি প্রফিট দেয় ওয়াই তুলনাতে সেই জন্য আমি ওয়াই প্রোডাক্টটাকে কম বানাবো এই জন্য এখানে বলা হয় এই মেথডটাতে কি আমাকে কোনটা স্যাক্রিফাইস করতে হবে আমি যদি আমার ডিভিশনকে জেড প্রোডাক্ট ট্রান্সফার করতে চাই তার মানে এটা নয় কি আমি জেড প্রোডাক্টটা মার্কেটে বিক্রি করা কম করে দেবো কেন কারণ আমার এখানে যেটা দিয়েছে জেড প্রোডাক্ট আমাকে বেশি প্রফিট দেয় তুলনায় ওয়াই প্রোডাক্ট ঠিক আছে আমাকে জেড প্রোডাক্ট ট্রান্সফার করতে হবে আমার অন্য ডিভিশনকে আমি করে দেবো কিন্তু আমি আমার যেটা লিস্ট প্রফিটেবল প্রোডাক্ট সেই লিস্ট প্রফিটেবল প্রোডাক্টটাতে যদি আমার প্রফিটটা মানে যদি আমার টাইম থাকছে যেমন দেখো এই প্রোডাক্টে আমি কত টাইম ইনভলভ করে রেখেছি এই প্রোডাক্টে আমি টাইম ইনভলভ করে রেখেছি পঁচিশশো ঘন্টা ঠিক আছে আমি এই প্রোডাক্টটাকে কম বানাতে শুরু করব ঠিক আছে আমি এই প্রোডাক্টটাকে স্যাক্রিফাইস করে দেবো যদি আমার স্যাক্রিফাইস করলে হবে তবে কারণ আমাকে কত ঘন্টা টাইম দিতে হবে ট্রান্সফার করার জন্য আমাকে চারশো ঘন্টা টাইম দিতে হবে কিন্তু আমার কাছে টোটাল টাইম পাঁচ হাজার পাঁচশোই আছে এর মধ্যে থেকে আমাকে চারশো ঘন্টা দিতে হবে ডিভিশনে ট্রান্সফার করার জন্য তাহলে আমি এই যে পাঁচ হাজার পাঁচশো ঘন্টা চারশো ঘন্টা যে ডিভিজনে জেড ট্রান্সফার করার জন্য আমি দেবো তাহলে আমি কোন প্রোডাক্টটাকে কম মার্কেটে বিক্রি করবো তার মানে আমার জরুরি নয় কি আমি টাকেই বিক্রি করা বন্ধ করে দেবো কারণ জেডটা আমার সেকেন্ড প্রফিটেবেল প্রোডাক্ট তাহলে আমি ওয়াইটাকে কম বিক্রি করা কম করে দেবো ওয়াই বানাতে যে সময় লাগছিল সেই ওয়াই বানাতে আমার দু ঘন্টা লাগছিল তাহলে আমি চারশো ঘন্টা ওর জন্য ওয়াই কম বানাবো আর ওই চারশো ঘন্টাটা আমি জেড বানাবার জন্য অ্যাপ্লাই করবো তাই জন্য এখানে দেখো আমি কি করেছিলাম এখানে আমার যে টাইমটা লাগছে চারশো ঘন্টা সেটা আমি স্যাক্রিফাইস করাবো আর ওয়াই কন্ট্রিবিউশন পার আওয়ার কত আছে মানে ওয়াই ঘন্টায় আমাকে এক কত কন্ট্রিবিউশন তাহলে তাহলে ওই কন্ট্রিবিউশনটা আমার আমার আর হবে না ঠিক আছে ঘন্টায় কত হয়ে যাবে চারশো ঘন্টায় টু পয়েন্ট ফাইভ করলে আমার টোটাল কন্ট্রিবিউশন হয়ে যাচ্ছে হাজার ঘন্টা ঠিক আছে টোটাল কন্ট্রিবিউশন লস হাজার ঘন্টা এবারে হাজার ডিভাইডেড বাই দুশো কেন করলাম কারণ এই কন্ট্রিবিউশন লসটা আমার পার ইউনিটে ট্রান্সফার করতে হবে হবে কি দুশো ইউনিট বানাবার জন্য আমি হাজার কন্ট্রিবিউশন লস করছি হাজার টাকার তাহলে এক একটা ইউনিট আমার কত কন্ট্রিবিউশন লস হচ্ছে পাঁচ টাকা করে ঠিক আছে তাহলে এই জায়গাটা বোঝা গেল কি আগে দেখো কি আমি যখন কাউকে ট্রান্সফার করছি জরুরি নয় এটা জরুরি নয় কি আমি জেড প্রোডাক্টটা ট্রান্সফার করব বলে জেড প্রোডাক্টটাই তৈরি করা বন্ধ করব আমি সেই প্রোডাক্টটা তৈরি করা বন্ধ করব যেটা আমার লিস্ট প্রফিটেবল প্রোডাক্ট হবে ঠিক আছে সেরকম আমি যদি এইখানে আসি এই কোয়েশ্চেনটাতে আসি এই কোয়েশ্চেনটাতে আসি তাহলে আমার টাইম লাগবে কত আমার টাইম লাগছে বারোশো ঘন্টা ঠিক আছে এবারে আমি যদি ওয়াই ওয়াই প্রোডাক্টটা ট্রান্সফার করি আমার বারোশো ঘন্টা লাগবে এবার এই বারোশো ঘন্টা যে আমি আমার তো টোটাল তিন হাজার আটশো ঘন্টাই আছে আমার তো তার থেকে বেশি আমার কাছে নেই এখান থেকে আমাকে বারোশো ঘন্টা অ্যাপ্লাই করতে হবে তিনশো ইউনিট ওয়াই বানাবার জন্য ঠিক আছে তিনশো ইউনিট ওয়াই বানাবার জন্য ঠিক আছে তাহলে এবারে দেখো আমি স্যাক্রিফাইস কোন প্রোডাক্ট করবো এর তার মানে এটা নাকি আমি ওয়াই প্রোডাক্টটা কম বানাবো আমাকে তো ওয়াই প্রোডাক্টটা আমি পাঁচশো মার্কেট বিক্রি করছিলাম তাতে আমার ভালো প্রফিট আছে আমি আরো তিনশো ওয়াই বানাবো আমি এক্স বানানো কম করে দেবো ঠিক আছে এক্স এর যে বারোশো ঘন্টা আছে সেই বারোশো ঘন্টা এক্স বানাবার জায়গায় আমি ওয়াই বানাবো তাহলে আমার এখানে কন্ট্রিবিউশন লস্ট এবার আমাকে চেক করতে হবে যে আমি যেহেতু এক্স বানানো স্টপ করে দিয়েছি তাহলে আমার কন্ট্রিবিউশন পার ইউনিট কত ছিল তাহলে আমার কন্ট্রিবিউশন পার ইউনিট ছিল পাঁচ টাকা করে তাহলে আমার কন্ট্রিবিউশন লস্ট হবে পাঁচ টাকা ঠিক আছে তাহলে এই জন্য এটা আমি পাঁচ ইন্টু করলাম তাহলে এটা আমার হয়ে গেল কন্ট্রিবিউশন লস্ট ঠিক আছে এটা আমার হলো টোটাল কন্ট্রিবিউশন লস্ট কার হচ্ছে যেটা আমি বানাচ্ছি না যেটা মার্কেটে বিক্রি করব না সেটাই কন্ট্রিবিউশন লস্ট হবে তাহলে এটা গেল 2000 টাকা এবারে আমি কত ইউনিট ওয়াই ট্রান্সফার করছি আমি ওয়াই ট্রান্সফার করছি 300 এটা আমার ভুল হয়ে গেছে এটা ডিভাইডেড বাই আমাকে করতে হবে 300 ঠিক আছে তাহলে আমার কন্ট্রিবিউশন লস্ট পার ইউনিট কত হচ্ছে কারণ আমি 300 ইউনিট ট্রান্সফার করার জন্য এই লসটা করাচ্ছি তাহলে এটা ডিভাইড করলে কত হচ্ছে একবার বলো ম্যাম ম্যাম বলছি যে যেটা ফোর হান্ড্রেড ইউনিট ছিল ওটার সাথে যেটা করেছেন ওটা তো কন্ট্রিবিউশন পার আওয়ার মানে ইউনিটে এর ইউনিট ইন্টু হবে না হ্যাঁ কন্ট্রিবিউশন পার আওয়ার মানে কি এক ইউনিটে মানে এক কন্ট্রিবিউশন পার আওয়ার মানে কি এক ঘন্টায় কত কন্ট্রিবিউশন দিচ্ছে আচ্ছা তুমি বলছো এটা ইন্টু হচ্ছে কেন চারশো ইউনিট আমি বলছি যে মানে যেটা আওয়ার ছিল ওটা বানাতে লাগছিল কত বারোশো ঘন্টা সেটাই পাঁচ হবে ও হ্যাঁ সেটা ইনটু পাঁচ হবে না আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ফুল করে দিয়েছি তাহলে কত হচ্ছে বারোশো ইন্টু পাঁচ হুম তাহলে কন্ট্রিবিউশন লস্ট বেরোবে ওইখানটা ভুল হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে এটা এটা কত হয়ে যাবে তাহলে আমাদের ছ হাজার আর এটা কত হয়ে যাবে তাহলে ছ হাজার ডিভাইডেড বাই

देखो क्वेश्चन में बाकी ये सब रहेगा हम लोग सिर्फ ऑप्टिमम मिक्स से चेंज कर देंगे ऑप्शन क्वेश्चन बी में हमें ऑप्टिमम मिक्स को चेंज करना पड़ेगा तो ऑप्टिमम मिक्स हम लोग का रैंक प्रोडक्ट और क्या रहता है आवर यूनिट और आवर ठीक है तो यूनिट और आवर ठीक है रैंक हो गया वन टू थ्री तीन प्रोडक्ट था रैंकिंग के हिसाब से प्रोडक्ट आया था हम लोगों का जेड वाई एक्स जेड वाई और एक्स ठीक है और आवर्स हम लोग का कंस्टेंट है वो है फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अब जेड का जो है यूनिट जेड का क्या था देख लेते जेड हम लोगों का बनाने में टाइम लग जाता है एक एक यूनिट जेड का डिमांड है मार्केट में तीन सौ और एक यूनिट जेड बनाने में टाइम लगता है Two hours, so, Tin, so, uh. एक मिनट क्या करना है हमें लेबर आवर्स पर यूनिट एक घंटे में लेबर आवर एक यूनिट बनाने में दो घंटा लगता है तो 300 यूनिट बनाने में 600 घंटा लगेगा 600 हंड्रेड आवर तो ये हो जाएगा 300 यूनिट और टाइम लग जाएगा 600 हंड्रेड आवर मतलब ये पहले जैसा ही होगा ठीक है उसके बाद सेकेंड वाला चेक करते हैं सेकेंड वाले में हम लोग का मार्केट डिमांड क्या है मार्केट डिमांड है हम लोग का पांच और चार घंटा लगता है तो दो हजार हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 400 और ये हो गया 2000, फिर भी हमारे पास कितना टाइम बचेगा 2600 और यहाँ पर हो गया 5600, तो फिर कितना बच रहा है टाइम 4000 चार हजार घंटा बचेगा इसमें हम लोग एक्स को बनाने का कोशिश करेंगे तो चार हजार घंटा ठीक है फोर थाउजेंड आवर्स और यहाँ पर हम लोगों का एक्स बनाने का टाइम ड्यूरेशन है एक घंटे में तीन घंटे में एक यूनिट तीन घंटे में अगर एक यूनिट बनेगा तो चार हजार घंटे में कितना बनेगा डिवाइडेड बाई थ्री तो ये कितना हो जाएगा ये शायद पॉइंट में आ जा रहा है कितना हो जाएगा ठीक तो इन... ऐसे आ सकता है मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा ना कि हम लोग का यूनिटी पॉइंट में आ जाए तो एक हजार यूनिट हम लोग बना सकते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे डिवीजन बी को जो रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट वाई थ्री हंड्रेड यूनिट उसके लिए हमारा यहां पर लिखेंगे डिवीजन बी डिवीजन बी रिक्वायर थ्री हंड्रेड यूनिट डिवीजन बी रिक्वायर प्रोडक्ट वाई थ्री हंड्रेड यूनिट थ्री हंड्रेड यूनिट प्रोडक्ट Demand वही वाला है ठीक है अब हम लोग देखेंगे अगर इतना जरूरी है तो कितना आवर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो यहां पर लिखते हैं आवर्स रिक्वायर्ड 300 यूनिट वाई बनाने के लिए कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा डिवीजन ए को अब एक यूनिट वाई बनाने में टाइम लग जाता है चार घंटा तो 300 यूनिट बनाने में टाइम लग जाएगा 1200 हंड्रेड आवर्स ये पहले वाले के तरह ही सेम रहेगा ठीक है इसके बाद हम लोग कंट्रीब्यूशन लॉस्ट चेक करेंगे कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ड्यू टू ड्यू टू ट्रांसफर इन ऑर्डर ऑफ लीस्ट रैंक ठीक है लीस्ट रैंक अब हम लोग यहां पर चेक करेंगे कैसे चेक करेंगे यहां पर जैसे किया था टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पहले निकालेंगे तो यहां पर लिखते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस्ट टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ठीक है तो 1200 घंटा हमें अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है थ्री हंड्रेड यूनिट ट्रांसफर करने के लिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था इंटू फाइव ठीक है फाइव क्यों किया था क्योंकि हम लोगों का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो जाएगा एक्स नहीं बनाने से पांच घंटा अब पहले चेक करते हैं एक चीज देख लेते हैं कि हमें कहां से ये टाइम मिल जाएगा बारह सौ घंटा हमें वाई में देना पड़ेगा यहाँ तीन हजार घंटा है तो आराम से एक्स को हम लोग बारह सौ घंटा कम टाइम देंगे ठीक है तो यहाँ से हमारा टाइम जो है निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या करते हैं इंटू कर देते एक्स का जो कंट्रीब्यूशन तो पर आवर है ठीक है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सिक्स थाउजेंड कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ये लॉस्ट होगा और ये टाइम हम लोग कितना यूनिट बनाने के लिए दे रहे थ्री हंड्रेड यूनिट तो ये हो जाएगा ट्वेंटी रुपीज ट्वेंटी पर यूनिट ठीक है तो इस केस में हम लोग का ट्रांसफर प्राइस कितना हो जाएगा वही हो रहा है मेरे हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट जो है प्लस ये फोर्टी फोर ही आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट था ट्वेंटी कितना था भाई वेरियल वेरिएबल कॉस्ट था यहाँ पर एक्स का था थर्टी वाई ट्रांसफर करे ना तो ट्वेंटी फोर सॉरी वाई ट्रांसफर कर रहे तो ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी ये मेरा फोर्टी फोर ही आ गया चेक करते हैं सही वाई कि नहीं इसमें थर्टी फोर आ रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट आ रहा है टेन अच्छा गलत हो गया मेरा सिक्स थाउजेंड डिवाइडेड बाई थ्री हंड्रेड ये लोग टेन कैसे लिखते हैं इसको सिक्स थाउजेंड डिवाइडेड बाई थ्री हंड्रेड थर्टी फोर এ এটা ভুল করে দিয়েছে এটা সিক্স ডিভাইডেড বাই থ্রি হান্ড্রেড করলে তো টোয়েন্টি আসবে এটা ফোর্টি ফোরই হবে ভুল করে দিয়েছে তাই না এরকমই তো হবে তাই না ওটা ওটা ওখানে ক্যালকুলেশনসটা টা ভুল করে দিয়েছে থার্টি ফোর না এটা ফোর্টি হবে ভুল করা আছে আচ্ছা ठीक है तो ये वाला हमारा समझ में आ गया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है देखो एग्जाम में आया था ये कर लेते हैं फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन है सेवेंटीन वाला वो करेंगे वो अलग है ठीक है तो ये क्वेश्चन देखो ये आया था कब हम लोग का नाइनटीन ये देखो ये आया था टू थाउजेंड नाइनटीन डिसम्बर में ये वाला क्वेश्चन करके देखो सेम ऐसा ही है क्वेश्चन कहाँ चला गया ये तो

क्या बोलते हैं उससे डिवीजन जेट का जो कंस्टेंट है मतलब जो लेबर आवर है वो वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड आवर्स है उससे ज्यादा नहीं है उसी में उनको एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा ठीक है तो देखो कैसे होगा सेम सेम क्वेश्चन है ठीक है तो हम लोग पहले यहाँ पर स्टेप वन में क्या चेक करेंगे स्टेप वन में हम लोग रैंक निकाल लेंगे ठीक है तो पहले हम लोग निकालेंगे रैंक तो यहाँ पर लिखते हैं डिविजन जेड डिविजन जेड प्रोडक्ट ए बी सी और डी सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट अच्छा सेलिंग प्राइस क्या है सिक्स हंड्रेड फाइव एट्टी फाइव सिक्सटी फाइव हंड्रेड टेन फाइव एट्टी फाइव सिक्सटी फाइव हंड्रेड टेन अच्छा वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है फाइव ट्वेंटी फोर हंड्रेड थ्री सिक्सटी फाइव ट्वेंटी फोर हंड्रेड थ्री सिक्सटी थ्री थ्री फाइव थ्री थ्री फाइव था लास्ट वाला अच्छा अब इसको कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये हो गया एट्टी ये वन हंड्रेड एट्टी ये टू हंड्रेड और ये वाला हो जाएगा वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे आवर्स पर यूनिट आवर्स पर यूनिट यूनिट एक युनिट बनाने में कितना टाइम लगता है तो एक यूनिट बनाने में टाइम लगता है थ्री फोर टू थ्री थ्री फोर टू थ्री अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कंट्रीब्यूशन पर आवर ठीक है तो ये कितना हो जाएगा एट्टी बाई थ्री तो एट्टी बाई थ्री करने से कितना होगा ये देखना पड़ेगा ये तो हंड्रेड हो रहा है

अच्छा अब नीचे लिखेंगे रैंक कंट्रीब्यूशन पर आवर के हिसाब से क्योंकि आवर हमारा कंस्ट्रेंट है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ये वाला है तो रैंक वन उसके बाद ये रैंक टू ये रैंक थ्री और ये हो गया रैंक फोर अब ऑप्टिमम मिक्स अब बनाना चाहिए ऑप्टिमम मिक्स ऑप्टिमम मिक्स इसमें क्या क्या आता है रैंक और आवर्स प्रोडक्ट आवर्स यूनिट और आवर्स आवर्स और यूनिट इधर लिखते थे एक ही बात है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर चार प्रोडक्ट है तो रैंक वन रैंक टू रैंक थ्री रैंक फोर अच्छा रैंक वन वाला कौन सा प्रोडक्ट है रैंक वन ये क्या नाम है सी रैंक वन है सी रैंक टू है डी अच्छा तो ए बी सी डी तो थ्री में है बी और ये लास्ट वाला हो जाएगा ए ये बी और ये ए ठीक है अच्छा अब यूनिट डिमांड देख लेते हैं आवर्स कंस्ट्रेंट कितना है वो बता दिया है आवर्स है टोटल इन लोगों के पास वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड हम ये टोटल में लिख लेते हैं वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड आवर्स को ही हमें यूज करना है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा अब यूनिट डिमांड क्या है सी का मार्केट डिमांड सबसे पहले देखना पड़ेगा तो सी का मार्केट में डिमांड है थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड यूनिट यहाँ पर लिख दिया मैंने थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड अब एक यूनिट सी बनाने में क्या टाइम लगता है एक यूनिट सी बनाने में अच्छा यहाँ दिखेगा मुझे एक यूनिट सी बनाने में टाइम लगता है एबीसी दो घंटा ठीक है तो थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड यूनिट बनाने में कितना लगेगा थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड इंटू टू तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आवर्स चाहिए ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आवर्स चाहिए ठीक है अच्छा इसके बाद देखते हैं डी का मार्केट डिमांड क्या है डी का मार्केट डिमांड है नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है अब एक यूनिट डी बनाने में टाइम कितना लगता है एक यूनिट डी बनाने में टाइम लगता है तीन घंटा तो थ्री इंटू नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यूनिट बनाने में टाइम लगेगा ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है अच्छा अब इसके बाद बी का मार्केट डिमांड देखते हैं बी का मार्केट डिमांड है 15,000 यूनिट तो बी 15,000 यूनिट और एक यूनिट बी बनाने में टाइम लगता है फोर आवर्स तो 15,000 यूनिट बनाने में लगेगा 60,000 थाउजेंड आवर्स ठीक है अब देखते हैं टाइम कितना है हम लोग के पास 27,600 हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है सी पे ट्वेंटी इन्वेस्ट कर दिया है डी पे सिक्सटी थाउजेंड इन्वेस्ट कर दिया है हम लोगों ने बी में अच्छा इतना टाइम चला गया अब बचेगा कितना वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस कर देते हैं टाइम बच रहा है ठीक ये है ये नेगेटिव में आ गया अच्छा ये मैंने पीछे लिखा था इसीलिए अच्छा थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आवर्स हमें बैलेंस मिल रहा है ठीक है अब ये टाइम जो मिल रहा है इसी में हमें ए बनाना चाहिए क्योंकि ये लिस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है अब ए का टाइम क्या है एक यूनिट ए बनाने में तीन घंटा लगता है तो तीन हजार सौ घंटे में कितने यूनिट ए बन जाएंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट uh, कर लेते हैं 3600 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना यूनिट ए बना सकते हैं ए बन जाएगा 1200 यूनिट ठीक है ये ऑप्टिमम मिक्स होना चाहिए ये चल रहा था सिचुएशन किसके लिए डिवीजन जेड के लिए शायद जेड है कि क्या नाम है डिवीजन जेड के लिए अब क्या हुआ अचानक से दूसरा एक डिवीजन इनसे डिमांड कर लिया क्या डिमांड किया है कि मुझे प्रोडक्ट कौन सा चाहिए क्या डिमांड क्या है देख लेते हैं प्रोडक्ट डी चाहिए ठीक है डिवीजन वाई को प्रोडक्ट डी चाहिए कितना यूनिट चाहिए फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट तो यहां पर लिखते हैं आवर्स रिक्वायर्ड स्टेप टू में आवर्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट ऑफ डी ठीक है तो कितना टाइम चाहिए अगर हम लोग तो डी तो बनाने में कितना टाइम लगेगा एक यूनिट डी बनाने में टाइम लग जाता है थ्री आवर्स तो फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट बनाने में टाइम लगेगा थ्री आवर्स पर यूनिट तो यहां पर हो जाएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड आवर्स हमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ट्रांसफर करने के लिए ठीक है तो अगर फोर्टी फाइव थाउजेंड आवर्स हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा तो हमें ये चेक करना पड़ेगा हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बनाना कम कर दे तो हम लोग जो लीस्ट प्रॉफिटेबल है वो बनाना बंद करेंगे तो सबसे लीस्ट प्रॉफिटेबल है हम लोग का ये ए ए में हम लोग 1200 घंटा लगा रहे हैं, तो 1200 घंटा अगर हम लोग ए नहीं बनाते हैं तो भी हम लोग इनको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें टाइम चाहिए 45,000 फाइव आवर ठीक है तो ए बनाना तो बंद करना ही पड़ेगा ठीक है 1200 बोल रहे सॉरी 3,600, 3,600 थाउजेंड आवर्स हम लोग जो ए में इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर ए बनाना पूरा पूरा बंद कर देंगे तो हमारा 3600 घंटा ही रहेगा जिससे हम लोग डी पूरा नहीं बना सकते क्योंकि डी पूरा बनाने के लिए हमें 45000 फाइव आवर्स चाहिए ठीक है तो फिर हम लोगों को नेक्स्ट लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा बी में ठीक है तो बी से कितना टाइम ले सकते हैं बी से कितना टाइम लेंगे ए से 3600 घंटा ले लेंगे ए पूरा बनाना बंद हो जाएगा क्योंकि पूरा 3600 घंटा जो ए में इन्वेस्ट कर रहे थे वो 3600 थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आवर्स अभी हम लोग डिमांड डी का जो डिमांड आया है दूसरे डिविजन से उसको ट्रांसफर करने में लगाएंगे ए प्रोडक्ट पूरा बंद हो जाएगा बनना ठीक है अब उसके बाद फिर भी हमारा पूरा नहीं बनेगा क्योंकि हमें पैतालीस घंट पैतालीस

ट्रांसफर इन ऑर्डर ऑफ लीस्ट लीस्ट रैंक ऐसे लिख देते यहाँ पर लिख देते हैं ए ए से थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आवर्स और बी से क्योंकि हमें टोटल चाहिए फोर्टी फाइव थाउजेंड आवर्स तो ये माइनस करने से आ जाता है फोर्टी फाइव थाउजेंड माइनस थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो हमें बी से लेना पड़ेगा फोर्टी वन फोर हंड्रेड और ये हम लोग बी से इसीलिए ले पाए क्योंकि बी में सिक्सटी थाउजेंड अवर्स इन्वॉल्व था अगर बी में मान लो फोर्टी थाउजेंड होता फिर हमें डी से भी लेना पड़ता इस तरह से अब डी को मार्केट में सेक्रीफाइस करवाते लेकिन अभी जब, जब तक जरूरी नहीं है तब तक हम लोग लीस प्रॉफिटेबल को लेके ही चलेंगे तो ये हम लोग का हो गया थाउजेंड आवर्स टोटल अब हम लोग को लिखना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट अब हम लोग कंट्रीब्यूशन लॉस्ट जो निकालेंगे वो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा क्यों क्योंकि इसका रेट अलग है इसका रेट अलग है तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ए का कितना हो रहा है थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इन टू और बी का होगा फोर्टी वन थाउजेंड फोर 100 अब ये कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर आवर में पता चलेगा ए और बी का देखना है ए का हो जाता है 26.67 और बी का हो जाता है 45 ठीक है तो बी में 45 करेंगे और इसमें करेंगे 26.67 इसको क्या करना है ना 26.666 लिख के कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा हम ये सेकंड वाला कैलकुलेट कर लेते हैं 1863. और इसको क्या करना है 26.666 जब तक कैलकुलेटर लेगा 26.666 जब तक कैलकुलेटर लेगा इनटू 9000 কত হচ্ছে কতটা কেটে গেল 96000 তাহলে टोटल करो तो কত करले নাইনটি হবে না নাইন ল্যাখ সিক্সটি হবে গো এটা ওয়ান অ্যাড করে দিলে না নাইনটি সিক্সটি তো হচ্ছে হুম তাহলে টোটাল করলে কত হবে নাইনটিন ল্যাখ ফিফটি নাইন থাউসেন্ড নাইনটিন ল্যাখ ফিফটি নাইন থাউজেন্ড उसेंड ये हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस्ट अब हम लोग निकालेंगे कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर यूनिट ये कैसे होगा नाइनटीन डिवाइडेड बाय जितना हम लोग ट्रांसफर कर रहे कितना यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग फिफ्टीन थाउजेंड डिवाइडेड बाई फिफ्टीन थाउजेंड देखो कितना आ रहा है 130 .6. 130 .6, अच्छा अब हम लोग को ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना है हो गया क्वेश्चन कंप्लीट स्टेप फोर में हमें करना है ट्रांसफर प्राइस ये तो निकल ही जाएगा वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर यूनिट तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर यूनिट वन थर्टी पॉइंट सिक्स है और वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्ट ट्रांसफर करेंगे उसका लेना पड़ता है तो ट्रांसफर हो रहा है प्रोडक्ट हम लोगों का डी थ्री थर्टी फाइव वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर करना ही पड़ेगा थ्री थ्री फोर हंड्रेड सिक्स तो ये हम लोग का हो गया मिनिमम ट्रांसफर प्राइस ये हो सकता है बाकी नेगोशिएशन में पता चल जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और ये कितने मार्क्स का आया था सेवन ठीक है ये सेवन मार्क्स का आया था ठीक है तो ये वाला हम लोग का हो गया अब हम लोग इसको एक बार बंद कर देते नहीं तो बार बार ये ओपन हो जाएगा से, फिर ये वाला देखते हैं देखो इलास्ट्रेशन सेवनटीन ये एक क्वेश्चन बचा है ये बता देते हैं इलास्ट्रेशन 17 यहाँ पर क्या बोला है